तुम्हें इज्जत से रहने का हक है सरदार साहब। ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पे मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत। हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है। शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट। टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाए और हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहे, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे। हमें इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब। ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा विकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पे मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेस पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई गिला नहीं है। शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट। लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब, वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं, वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाएं और हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब। यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं।